सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कन्या सुमंगला योजना की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बैठक संपन्न हुई है। बैठक का उद्देश्य था कि नव वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, जो लड़कियां श्रेणी में आती हैं उनका एडमिशन भी शुरू हो गया है, जो कक्षा 9, 10, 11, 12 पास करके स्नातक में एडमिशन ले रही हैं उनसे बात करके योजना का फॉर्म भरवाया जाए। इसके अलावा जो आवेदन लंबित पड़े हैं उनको जल्द ही निस्तारण करके बच्चों के खाते में पैसा हस्तांतरित किया जाएगा। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने कहा, ये 317 आवेदन थे, हो गया है। मैं कल फिर रिपोर्ट डालूंगा, रोड में चेक करूंगा इसको। नहीं, कल जो इसका जीरो नहीं होगा वहाँ पे हम बैठा के सर मैं नोट कर ले रहा हूँ, कुछ बता नोट कर लो, जीरो पहले बता देंगे। ये पूरा 144 था। इसके अलावा जो खंड विकास खंड स्तर पर लंबे बुलाए सर, क्योंकि वही देखते हैं ब्लॉक, बांस गाँव जीरो हो गया है, 36 है बांस गाँव आपके पास है, फ्रेश पेंडेंसी 36 की है। कब खत्म होगा ये सर? आज खत्म हो गया, सबको बांट दिया गया है तीन बार डिफाइन करने के लिए। और बड़ालगंज जी सर बताइए आप क्या 31 की पेंडेंसी है? रियाज साहब और डीओ साहब के स्तर से रेट होके आया, उसको क्यों छोड़े हैं? उसमें तो डोंगा लगाना होता है, पता है ना कैसे खत्म हो जाएगा? ऑलरेडी रिजेक्टेड होते हैं, केवल डोंगा लगाना है, वो खत्म हट जाएगा वहाँ से। 217 है, सेकेंड टॉप में है आप, थर्ड टॉप में कितना बचा है? तो हो गया बटर पेंडिंग नहीं, डोंगल के लिए 130 है पेंडिंग, सबसे ज़्यादा मुझे बुला लेता जी, उसको दिखवाइए। 123 पेंडिंग है, फ्रेश है, और 31 डोंगल के लिए है। कल हो जाएगा। चल रामा, केवल 2 पेंडिंग है, 3 डोंगल के लिए दिया, ये भी मेरा तो पास है, बात करा दीजिए। अच्छा क्या कहा? कल हो जाएगा वो तो ठीक है। ये 96 वाला जो एरिया वाला है जो रिजेक्टेड है, ऑलरेडी बीओ के स्तर से रिजेक्ट होकर आए हैं, उसको केवल डोंगा लगाना है, 2 मिनट का काम है, हो जाएगा कल ये भी। क्योंकि इसकी वजह से प्रेगनेंसी अनाउंस दिख रही है हमारे पोर्टल पर। उसके बाद जो 45 फ्रेश प्रेगनेंसी है जी सर, जो इसका सत्यापन भी अभी अपलोड नहीं हुआ है, 45 है ऐसे, कितने दिन हो जाएगा? शनिवार तक सब फाइनल कुछ भी होता है। आज की जो बैठक की गई है वो बैठक मुख्य रूप से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में की गई है। इस बैठक का उद्देश्य ये था कि चूँकि नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है और बच्चों के जो लड़कियां हमारी जो इस श्रेणी में आती हैं उनके एडमिशन्स भी शुरू हो गए हैं, कक्षा 1 में, कक्षा 6 में, कक्षा 9 में, और इंटर पास या हाई स्कूल पास करके प्रोफेशनल या स्नातक कोर्स में जो एडमिशन हो रहे हैं, तो उन बच्चों को टेस्ट आउट करके उनको एडमिशन जो बच्चियाँ ली हैं उनको योजना का फॉर्म भरवाया जाए और उनको लाभान्वित कराया जाए, इस संबंध में बैठक थी। साथ ही साथ जो हमारे अभी आवेदन जो लंबित पड़े हुए हैं उन आवेदन को भी हम लोग को जल्द से जल्द निस्तारित करके बच्चों को खाते में पैसा अंतरित करने की कार्रवाई करने के संबंध में था। इसमें हमारे जो ब्लॉक लेवल के जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स के जो हमारे कर्मी हैं उन सबको बुलाया गया था। इसमें CDPO आए हुए थे, ABSA आए हुए थे, और BCPM आए हुए थे, और ADO समाज कल्याण आए हुए थे। साथ ही साथ जनपद स्तर के अधिकारी भी इसमें प्रतिभाग किए थे। तो ये पूरा हमारा था कि आवेदन को ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित किया जाए और जो हमारे आवेदन प्राप्त हुए हैं उनको सत्यापन करके समय से भुगतान के लिए डायरेक्टर स्तर पर प्रेषित कर दिया जाए।